सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ए नाम के लोगों के लव लाइफ 2023 के बारे में बता दिया है, यदि आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके आप लोग देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पी नाम के लोगों के लव लाइफ 2023 के बारे में और जानेंगे यह साल 2023 पी नाम के लोगों के प्यार जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। क्या इस साल आप लोगों को आपका प्यार मिलेगा या इस साल भी आप लोग सिंगल रहने वाले हैं, सभी बातों की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इस वीडियो में आप लोगों को अंत तक बने रहना है, तभी आप लोगों को सारी जानकारी मिल पाएगी। और हाँ दोस्तों, यदि आपका नाम पी अक्षर से शुरू होता है तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें, क्योंकि वो माता रानी ही हैं जो हमारे सारे सपने को पूरा करती हैं और हमें अपने प्यार से मिलाती हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं पी नाम के लोगों के राशियों के बारे में। पी नाम के जितने भी लोग होते हैं उनमें जो राशियां पाई जाती हैं वह कन्या राशि होती है, और कन्या राशि के घर में इस बार चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है और चंद्रमा के प्रवेश से उनके राशियों में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और यह बदलाव आपके लिए बहुत कल्याणकारी साबित होंगे। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं पी नाम के लोगों के स्वभाव के बारे में, उनके नेचर के बारे में। पी नाम के लोगों में सबसे पहले बात कर लेते हैं पी नाम के लड़कियों के बारे में। पी नाम की लड़कियां भगवान पर बहुत विश्वास रखती हैं। यह लोग जो भी चाहते हैं, जो भी इनकी चाहत होती है, इसके लिए भगवान पर अटूट भरोसा रखते हैं और यह मानते भी हैं कि यदि सच्चे मन से यदि भगवान की पूजा अर्चना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पी नाम की लड़कियों का दिल बहुत ही साफ होता है, इसी वजह से लोग अक्सर इनका दिल तोड़कर चले जाते हैं। पी नाम की लड़कियों को थोड़ा सा भी कोई हर्ट कर दे तो ये लोग बहुत रोती हैं। आइए बात कर लेते हैं पी नाम के लड़कों के बारे में। यदि पी नाम के लड़कों के बारे में बात किया जाए तो यह बहुत ही हंसमुख स्वभाव के लोग होते हैं। इनको अपने रुतबे हैसियत का थोड़ा भी घमंड नहीं होता है। यह सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और सभी को एक बराबर मानते हैं। पी नाम के लड़कों का अपने जीवन में एक से अधिक लड़कियों के साथ प्रेम संबंध होता है, क्योंकि जो भी लड़की इनके जीवन में आती है अक्सर इन्हें छोड़कर चली जाती है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं जिसका आप लोगों को इंतज़ार था, पी नाम के लव लाइफ 2023 के बारे में, और जानते हैं यह साल आपके जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। तो इस साल पी जातक के लोगों को अपने प्यार में अपार सफलता मिलने वाली है, और जिस भी बंदे या बंदी को आप लोग चाहते हो उनके मिलने का 100% योग बन रहा है। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो इस साल 85% लोगों को उनका प्यार मिल जाएगा। केवल 15% लोग ही इस साल अपने प्यार को पाने में असफल रहने वाले हैं। तो क्या आप भी 85% वाले व्यक्ति हैं? तो आप लोग कमेंट में अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लिखें और बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। अगर बात करें ऐसे लोगों के बारे में जो चाहते हैं कि वह हमेशा सिंगल रहें, उनके जीवन में कोई लड़का या कोई लड़की ना आए, वह प्यार से हमेशा दूरी बनाए रखना चाहते हैं, तो एक बात आपको बता दें कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे आपको किसी न किसी लड़के या लड़की से प्यार ज़रूर हो जाएगा, आप इससे बच नहीं सकते। बात कर लेते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो सिंगल हैं और अपने प्यार की तलाश कर रहे हैं। तो साल 2023 का 7वां और 8वां महीना आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा, और इस माह में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको आपका प्यार मिल जाएगा और आप लोग अपने सिंगल वाला स्टेटस को हटा ही लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं ऐसे लोगों के बारे में जो किसी से प्यार तो करते हैं पर कहने से बहुत डरते हैं। वह बहुत दिनों से किसी को चाहते हैं पर अभी तक अपने दिल की बात उसे बता नहीं पाए हैं। वह लड़का या लड़की आपके बहुत करीब भी हो सकता है और आपसे बहुत दूर भी हो सकता है। तो यह साल आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा, और इस साल फरवरी माह में यानी 14 फरवरी को आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर से ज़रूर बताइए, और इसमें आप लोगों को सफलता मिलने के 78% चांस हैं।
तो दोस्तों शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत दिखाइए। जब भी आप लोग हिम्मत दिखाएंगे आपको कहीं ना कहीं आपका प्यार ज़रूर मिलेगा। तो हम आशा करते हैं हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं अपनी अगली वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग मेरे वॉइस रिकॉर्डिंग माइक को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप लोग वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। उसमें मैंने एक से दो ऑप्शन डाल दिए हैं, उसमें जो आप लोगों को बेहतर लगे आप लोग परचेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय माता दी। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow.